रमजान इज हेयर बट ड्यूरिंग रमजान मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स लेजी हो जाते हैं एंड एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाइजेशन इश्यूज एंड वेट गेन होने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर असवन हेयर। आज की वीडियो में हम ड्यूरिंग रमजान एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस और एक्सरसाइज की वजह से बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रमजान इज द बेस्ट टाइम टू गेट लीन एंड श्रेडेड। नंबर वन, एडेप्टेशन ऑफ बॉडी। ड्यूरिंग रमजान सहरी से लेकर इफ्तार तक बॉडी में काफ़ी चेंजिंग्स होती हैं एंड रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से बॉडी इन चेंजिंग्स को क्विकली अडॉप्ट कर लेती है। लाइक रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हाई हो जाती है, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी हाई हो जाती है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की परफॉर्मेंस भी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट मील के लिए रेडी हो पाते हैं एंड ओवरऑल हेल्थ भी इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सरसाइज डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलस प्रोवाइड करती है एंड जीआई ट्रैक में ब्लड फ्लो इन्हेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इंजाइम्स की सिक्रीशन भी इन्हेंस हो जाती है एंड फूड इजीली इंटेस्टाइन्स में मूव कर पाता है। दिस कैन आल्सो प्रिवेंट द इश्यूज ऑफ इनडाइजेशन, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। ये वो इश्यूज हैं जो इरेगुलर ईटिंग पैटर्न की वजह से होते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इन सब इश्यूज से बच सकते हैं एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ को भी इन्हेंस कर सकते हैं। नंबर थ्री, मैनेजिंग एनर्जी लेवल्स। ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू मेंटेन द एनर्जी लेवल्स, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी स्टोर फैट एंड स्टोर ग्लाइकोजन को यूज करती है एज एन एनर्जी सोर्स एंड नॉन फास्टिंग आवर्स के दौरान एक्सरसाइज करने से बॉडी के एनर्जी लेवल्स इन्हेंस हो जाते हैं एंड ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स बॉडी थकावट फील नहीं करती एंड एक्टिव रहती है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज प्रॉपर हाइड्रेशन इज अ की फॉर प्रॉपर डाइजेशन। रोजे के दौरान हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स के लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हम कंटिन्यूसली वाटर का इंटेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट से हाइड्रेटेड स्टेट के अंदर चली जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में आने लग जाते हैं, फ्लूइड लेवल्स बैलेंस में आने लग जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इन्हेंस हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इन्हेंस हो जाती है एंड बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्हेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी नेक्स्ट मील के लिए रेडी हो पाती है एंड ओवरऑल हेल्थ भी इन्हेंस हो जाती है। इसलिए आपने हर हाल में एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज लाजमी परफॉर्म करनी है ताकि आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन हो सके। नंबर फाइव, मेंटल वेलबींग। ड्यूरिंग रमजान एक्सरसाइज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग मेंटल वेलबींग, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो कि हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे स्ट्रेस लेवल्स को डिक्रीज करते हैं। देयर यू हैव इट, द इनक्रेडिबल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमजान। ओवरऑल हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज अपनी रूटीन के अंदर लाजमी ऐड ऑन करें, ताकि आप रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों को तरजीह दे पाएँ और इस मुकद्दस महीने का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्थ एंड वेलनेस वीडियोज़। टेक केयर।